वेरी रिसेंटली दो बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया एक वीडियो बनाने के लिए, लेकिन एक बच्चे ने रिक्वेस्ट किया वीडियो बनाने के लिए, दूसरे बच्चे ने मजाक उड़ाया कि सर आपने कल बोला कोडिंग अच्छा फ्यूचर है, और ये देखो सर न्यूज़ वाले क्या बोल रहे हैं कि कोडिंग के जॉब्स चले जाएंगे। अब मैं उसको क्या बताऊँ, मैंने एक सिंपल बताया है, मैंने यही देख अपना टाइम बर्बाद कर और अपना लाइफ बर्बाद कर, उनको अमीर बना, राइट। सो लेकिन मैं इसके लिए इस वीडियो को बना नहीं रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझाऊंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा, राइट, क्या होता है कहानी। मैं किसी के एगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बात करूँगा टू दी पॉइंट भाई, सॉफ्टवेयर जॉब का फ्यूचर क्या होने वाला है आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स, उसके आगे क्या होगा, मैं बोल नहीं सकता भाई, कोई और बोल सकता है। तो मैं 20 ईयर्स का गारंटी लगभग ले सकता हूँ जो मेरे को दिखता है, मेरे एक्सपीरियंस, सेल्फ एक्सपीरियंस के बेस पर, जो पिछले 10 साल से मार्केट को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री को, जो फास्टेस्ट गोइंग इंडस्ट्री है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा बैक चलते हैं, 2010 तक चलते हैं। 2010 में मैंने 2009 में मैंने ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में आया था, मैं ब्लॉग नया सीख रहा था, ब्लॉग क्या होता है, SEO क्या होता है, वेब डिज़ाइनिंग मैं कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, इंटरनेट कैसे काम करता है, अच्छे से मैं इसको एनालिसिस कर रहा था। मैकेनिकल इंजीनियर था, लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन अलग कहानी इसमें आते हैं। उस टाइम मुझे अगर एक ब्लॉग का डिज़ाइन करना होता तो वहाँ पर मेरे पास मोटा मोटा दो ऑप्शन था, या तो किसी को हायर करूँ, राइट, अपने ब्लॉग को डिज़ाइन करने के लिए, वो कोडिंग करेगा, महीने लगेगा, मतलब 10-15 दिन कब से लगेगा उसको डिज़ाइन करेगा कोडिंग करके, या तो खुद कोडिंग सीखो और डिज़ाइन करो। तो मेरे पास तो पैसा था नहीं, खुद डिज़ाइन सीखना पड़ा और खुद ही करना पड़ा था उस टाइम। लेकिन क्या हुआ 2014-15 में, क्या हुआ आपका, ऐसे सॉफ्टवेयर आ गया, ऐसे सिस्टम आ गया, कोडिंग की जरूरत ही नहीं है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो, मनचाहा डिज़ाइन बना लो, बैकएंड में कोड आ जाएगा उसको पुट कर दो, हो गया, ड्रैग एंड ड्रॉप का सिस्टम आ गया। तो इसका मतलब क्या है, वेब डिजाइनिंग की नौकरी खत्म हो गया? नहीं भैया, और बढ़ रहा है यार, खत्म नहीं हुआ और बढ़ रहा है। सिमिलर बात क्या हुआ, बिकॉज उसको ऑटोमेशन बोल रहे हैं कि लोगों को डिजाइनर की जरूरत क्यों पड़ेगा, बिकॉज ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। भाई सिंपल सी बात है, लोगों की जनसंख्या बनने वाला है पूरे वर्ल्ड में, आपको पता है जनसंख्या नियंत्रण भी होना नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ग्रोथ कर रही है, ग्रोथ कर रही है, जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या होगा, रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। तो फूड इंडस्ट्री का, टीचिंग इंडस्ट्री का, जिसमें इसमें डायरेक्टली पब्लिक का रिलेशन है, हेल्थ इंडस्ट्री का, ऐसे ग्रोथ तो होना है, और ये सारे इंडस्ट्री ग्रोथ होगा तो सॉफ्टवेयर ग्रोथ तो होगा, हर फील्ड में सॉफ्टवेयर तो है, चाहे हॉस्पिटल जाओ, चाहे पढ़ने के पास किसी के टीचर के पास जाओ, चाहे आप बस में जाओ, टिकट बुक क्या करते हैं आप, सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो जब हर जगह इंटरनेट का यूज़ है, हर जगह सॉफ्टवेयर का यूज़ है, सॉफ्टवेयर का नौकरी कैसे जाएगा? रही बात ऑटोमेशन की, अगर ऑटोमेशन जॉब खत्म करेगा तो लास्ट जॉब होगा सॉफ्टवेयर का, खत्म, पहले भाई किसी दूसरे फील्ड के खत्म होंगे, बिकॉज ऑटोमेशन को बना कौन रहा है, कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, रोबोट जो बन रहा है, उसमें मेन फंक्शन किसका है, कंप्यूटर वालों का है, अब बनाने वाला का जॉब तो रहेगा, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हो इस बात को, इसको कनेक्ट करो। कोई हम प्रोग्राम बनाते हैं कुछ स्पेसिफिक वर्क को करने के लिए, प्रोग्राम कौन बनाता है, प्रोग्रामर बनाएगा ना। हाँ कुछ बोल रहे हैं कि सर सिंपल जॉब चला जाएगा, ये भी थोड़ा गलत फहमी में, आपको बताता हूँ कैसे। 2000 आपका लगभग 2-3 में बहुत बूम सा था, इवन 4-5 तक बहुत बूम सा था, किसका, कॉल सेंटर का जॉब का, नया नया आया था, आपके आसपास भी कॉल सेंटर खोले होंगे, वो बंद हो गए, टेलीकॉम सेक्टर के कॉल सेंटर थे। आपको क्या लगता है कॉल सेंटर का जॉब खत्म हो गया? नहीं भाई, बढ़ा है, बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स में काफ़ी शानदार कॉल सेंटर का नौकरी चल रहा है, राइट। सो आई होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट। आजकल बहुत से लोग क्या हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि मैं सॉफ्टवेयर फील्ड में हूँ, मैं क्या करूँगा जी, और ये परेशान पता है कौन हो रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं। परेशान क्यों हो रहे हैं, ये फालतू मतलब आप रिपोर्ट देखते हैं और अपना परेशान होते हैं, वीडियोज़ भी देखते हैं, तो इस पर ध्यान मत दो आप, मेरे हिसाब से ग्रोथ और होने वाला है। हाँ एक बात है, आप अपने आप को इम्प्रूव करो, आप अपने आप को कैपेबल बनाओ ताकि आप बेस्ट आउटकम ले पाओ इन चीज़ों का। सो यू हैव टू जस्ट कीप योर सेल्फ पुशिंग फॉरवर्ड सो दैट यू विल बिकम मच बेटर इन योर फील्ड, आप हाईली स्किल बन जाओ, सैलरी काफ़ी अच्छा होगा। अगर आप बात करते हैं बहुत बढ़िया चीज़ों का, तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए अगर आपको सैलरी किसी फील्ड में चाहिए होता है तो काम करने से सैलरी नहीं मिलता है, ज़्यादा सैलरी ज़्यादा मिलता है काम करवाने से, लेकिन वहाँ पर ही फ़र्क है, आप कैसे कंपनी में हैं। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हैं जहाँ पर एवरग्रीन उनका रेवेन्यू आ रहा है,
लाइक गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या होगा, आपका ग्रोथ काफ़ी शानदार होगा, स्टार्टिंग सैलरी भी काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन सबको प्रोडक्ट कंपनी थोड़ा ना मिलेगा, सर्विस बेस में कौन करने काम करेगा फिर, राइट। अभी मेरे पास डेटा है रिसेंटली 2020-21 में लगभग 140,000 लोगों को हायर किया गया सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, और इंडिया में हर साल जो है आपका सॉफ्टवेयर फील्ड में बच्चे जो एडमिशन लेते हैं लगभग 1.5 से 2 लाख एडमिशन लेते हैं, तो लगभग आपका जो रिक्रूटमेंट कितना होगा 70% बच्चों को उठा लिया जाता है लगभग, विच इज़ वे हायर देन एनी ब्रांच, बिकॉज बाकी ब्रांच में एडमिशन लेते हैं ना, मैकेनिकल में 1 लाख 1.5 लाख के आसपास, बाकी ब्रांच में मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें लगभग 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक का बच्चों का एडमिशन होता है हर साल इंडिया में। अब इतना एडमिशन हो रहा है तो 70-80% तक, समटाइम्स 85% तक बच्चे पास होते हैं, बाकी सारे रह जाते हैं, ऐसा होता है जी, सारे पास नहीं होते इंजीनियरिंग, राइट, मतलब अच्छे कॉलेज में तो हो जाते हैं लेकिन बहुत जगह पर ईयर बैक लगता है, बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है, वो बाद में क्रैक करते हैं, तो और क्या चाहिए आपको, व्हाट एल्स, राइट। तो मेरे ख्याल से ये अभी शुरुआत है इस फील्ड का, इसमें और ग्रोथ होने वाला है। हाँ, सिस्टम चेंज होगा, हो सकता है नया कुछ आपको सीखना पड़े, कुछ अलग तरीके से काम हो रहा है, बट मेरे हिसाब से ये जस्ट बिगिनिंग है सॉफ्टवेयर फील्ड का। मुझे लगता है दूसरे फील्ड के जॉब को भी सॉफ्टवेयर फील्ड खाने वाले हैं, खाने वाले मतलब क्या है, दूसरे फील्ड का जॉब भी सॉफ्टवेयर वाले करने वाले हैं। जो ऑटोमेशन सिस्टम आ रहा है मैकेनिकल में ऑलरेडी आ चुका है इंडिया में बहुत जगह पर, वहाँ पर क्या हो रहा है आपका, हाँ वहाँ पर मैकेनिकल काम भी होता है, मान लो कोई रोबोट बनाया जा रहा है तो उसमें मैकेनिकल का काम भी होता है, सॉफ्टवेयर काम भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स काम भी होता है, जो एक ब्रांच है मैकेट्रॉनिक्स वो वाले कर लेते हैं लगभग दोनों चीज़ का, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, राइट। तो अगर कुछ बन रहा है तो उसमें फिर रिक्वायरमेंट भी जनरेट होता है, तो ऐसा नहीं होता भाई सब जीरो हो गया फिर कैसे चलेगा, ऐसा नहीं होता ना, इट्स नॉट लाइक दैट। तो आप इन चीज़ों की अफवाह के चक्कर में मत पड़ो, आप अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप को बेटर बनाओ, सो दैट यू कैन गेट गुड आउटकम फ्रॉम दिस। और यही मैं बोलना चाहूँगा, आप क्या करिए, आप फोकस करिए अपने काम पर, अपने फ्यूचर पर, आपको क्या करना चाहिए, क्या बेहतर कर सकते हो, क्या इनोवेशन ला सकते हो, ये बहुत रिक्वायरमेंट है अपने फ्यूचर जॉब को अच्छा करने के लिए। ऐसे ही बोल रहे थे लोग 2010 में कि भाई टीचिंग जॉब खत्म हो जाएगा, इंटरनेट आया है, सब एक बार पढ़ाओगे रख देंगे, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन भैया खत्म हुआ है क्या, नहीं हुआ है ना, और डिमांड बढ़ा है, लोगों के सैलरी और बढ़े हैं जिनके अंदर एबिलिटी था, काफी ज्यादा सैलरी बढ़ा है। सो अगर एबिलिटी आपके अंदर होगा तो आपका डिमांड बहुत अच्छा होगा, तो डोंट वरी अबाउट अदर थिंग्स, आप उसके बारे में सोचिए कैसे आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे, बेहतर बनाएंगे, और आपके जो कमी है उसको निकालने की कोशिश करिए, स्लोली स्लोली योगा करिए, इंटरनेशनल योगा डे आने वाला है, राइट, और एंजॉय करिए अच्छे से। थैंक यू वेरी मच, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।